आतंकवाद का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। एक तरफ वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तहरीके तालिबान भी उसे लगातार जख्म दिए जा रहा है। तहरीके तालिबान यानी TTP अब पाकिस्तानी सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। TTP के आतंकी पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले कर रहे हैं और अब जो खबर सामने आ रही है वो पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक ने जानकारी दी है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के दहशतगर्दों को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा। अमेरिकी थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान जानता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है और अब जब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो TTP के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सके, ऐसे में पाकिस्तान में TTP आतंकी फिर से सिर उठा रहे हैं। वहीं तालिबानी सरकार के हाल ही में पाकिस्तान की आलोचना किए जाने का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान TTP को समर्थन देने से पीछे नहीं हटने वाला। थिंक टैंक का मानना है कि तालिबान फिलहाल TTP के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाने वाला, क्योंकि मौजूदा वक्त में TTP आतंकी स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं और अफगानिस्तान के शहरों में अपना रोजमर्रा का अभियान चला रहे हैं। USIP के अनुसार कंधार तक पहुंच रखने वाले लोगों का कहना है कि आने वाले वक्त में तालिबान का मुखिया और उसके करीबी सलाहकार वैचारिक आधार पर TTP को समर्थन देते रहेंगे। अब ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उसकी अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान जमीनी स्तर पर तो कार्रवाई कर सकता है, मगर तालिबान से पंगा लेना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं कुछ समय पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तालिबान को धमकी तो दी थी कि अगर उसने TTP को नहीं रोका तो पाकिस्तान हवाई हमला करेगा, मगर रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ऐसा करने से बच रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना TTP को बढ़ा रही है ताकि अमेरिका से आर्थिक मदद हासिल किया जा सके और इमरान खान को सत्ता में आने से रोका जा सके, क्योंकि इमरान खान को TTP का हिमायती माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।